क्या हुआ? तू बहुत कम दे रहा है मुझे। सही, वो बचते ही कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो 5 फ्लैट वाली स्कीम मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। वो प्रोजेक्ट मैं तुझे नहीं दूंगा। तेरी कंस्ट्रक्शन से लोग मरेंगे। अब सर जी, पाकिस्तान में लोग कम हो गए हैं क्या? स्कैंडल बनता है। सर जी, यहाँ कोई जलजले वलजले नहीं आने हैं और 8-10 साल तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी। 10 साल में न जाने आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, और तो 4,000 लोग मर भी गए तो क्या है सर? ये कौन थी? सर, घर में एक औरत काम करती है, मेरा ख्याल है शायद उसी की लड़की है, मैंने तो पहली बार देखा है सर। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी आज पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगी मैं। वाह जी वाह, बड़ा मी पेंड है। ओ जी आ जाओ, तुसी मैं ले जाना। नहीं बेटा, हम खुद ही जाएगा। ओ जी आप डरो नहीं, मैं आपको कोने से रिक्शा ले आ देना। नहीं बेटा, हम जाएगा। ओ जी नहीं, बारिश हो रही, तुसी कैसे जाओगे? मोरा राजे चिवलाड़ सू दे मखिम बाबा से मिलाओ सवई दे राजे। नहीं नहीं, पीछे हटो, आ जाओ बैठो। सही खैर है, खामोश बैठे हैं। तबीयत तो ठीक है ना सही? पुराना गोश्त नहीं खाऊंगा अब मैं, नया गोश्त चाहिए मुझे, ताजा। सही, ये तो अच्छी बात है, शौक है अपना अपना। मेरा बिल्डर दोस्त नहीं है? जी सही, उसके घर एक पुरानी औरत काम करती है, उसकी बेटी है। सही, एक नौकरानी के लिए इतना दिल छोटा? कल आपके कदमों में होगी, बस आप हुक्म करें। कर दिया ना हुक्म? हो गया सही, हो गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, किधर ले जा रहे हो? चोरी नहीं के सब। मेरे कहने, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर जाने का कोई मसला है तो मैं खुद लेकर चलता हूँ। मैं कैसे जाऊँ साहब, आप कुछ करो। हाँ, तफ्तीश दोबारा ठीक से शुरू करो। साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, साहब साहब एक मिनट, आप जहाँ बोलोगे हम जाएंगे आपके साथ साहब। हाँ भाई मूसा, क्या हाल है? सर सब सेट है सर। डांस जारी है? नहीं सर, आज कुछ हुआ ही नहीं, लगता है शरीफ होगा।
अच्छा चल फिर चल कर। जी सर। वो जो लड़की थी ना आपने बताई वो मैं ले आया हूं। ले आया है? हाँ सही, लेकिन सही मर्जी से नहीं आई है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इसमें तो और भी मजा है। आप लोग जाएं, मैं बाद में मिलूंगा आप लोगों से। चलो साहब तुम्हें बुला रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, माँ बात कर लेगी, आ जाओ। लक्ष्य नजर आजम, आ जाइए, आपकी वाल्ला बुला रही है। यहाँ क्या कर रही हो? उसने बोला वो आदमी काफी प्यारी हो। कौन आदमी? वो आदमी। इधर आओ, मुझे बताओ ना, इधर आओ। छोड़ो हमको। अच्छा ओ, छोड़ो हमको, छोड़ो हमको, बचाओ, बचाओ, बचाओ। पागल, तुझे नोटों में राज करेगी। बचा। यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा यहाँ। इधर आ। बचा। इधर आ, बात सुन मेरी। लेट इधर। किधर? किधर? ओ तेरे नसीब खुल गए हैं। बचा, बचा। लिपस्टिक। फिर बचा। लेट इधर। बचा। चीख चीख, मुझे चीख बड़ी अच्छी लगती है। बचा। चीख दीदी, बचा। कोई नहीं बचाएगा तुझे यहाँ। बचा। मुद्दी नगर पीछे कर इसको। बस इधर आ, तेरी माँ इधर है। पकार भाई शिमाब अस्पताल के लकड़ हुई जखुता तो परेशान है वाला जर्मिनी। बस बस ते दुखदाय ते पार चुप कौन पतिक स्टा इस गलत जब अस्पताल तलार से
मलाल ते बडोडे बमरा सवम या तब नचे जपख पलज लेवानी सूसु सूसु लेवानी जरा गलेम ची तास टोला कले तबोजम उस द कले आलाज सीधे घशेदी तास खपल सामान टोल के दबांदी ड्राइवर वाला हार्ड अब्दुल्ला तो दी वो रसोग कली था जोई तना से ले मुझे सरा मोर्ज मायो कार्ड अगर कौन दर्जम जोई मक्का वदासी राजा खपल वतन तलार सो मोर दर तू मोल दर्जम ती वर्स मन मोरा यार के मन में छुपाया तन लूटा मन लूट न पाया इश्क की मिट्टी आग पकी रो ये दर्द का भैरो राग चुकी जो नहीं इसकी इश्क है ये सरहद नहीं इसकी जितने लफ्ज हैं वैसे रोलो सुनता है बोलो ना बोलो मन ही मन सुवास्तों में खोट न पाया
इश्क सुगातों में खोट न पाया, तन लूटा मन लूट न पाया। मल मोरा मल मोरा मल मोरा मोरा मल मोरा मल मोरा मल मोरा मोरा मल मोरा मल मोरा मल मोरा मोरा मल मोरा मल मोरा मल मोरा। हाँ, ये मूसा साहब को क्लियर करें। हम चादर और चार दीवारी की हिफाजत करेंगे। हम तरक्की करेंगे, मगर हमारी औरतें चार दीवारी के अंदर महफूज रहेंगी। मेरे 10 o'clock पे लास्ट रो में एक आदमी खड़ा है, लंबे बाल हैं, दाढ़ी है, अरबियों वाला पट्टू है, उसके सर चेक करें। कंट्रोल, ये डीएसपी साहब बैठे हैं? जी सर, बैठे हैं। अच्छा, इनसे कहें ये जरा मुझसे मिलके जाएंगे। ओके सर। उस दिन आप ये दो पश्तो स्पीकिंग खवातीन के साथ आए थे, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? यही नीलम कॉलोनी में रहती हैं। इन लोगों के बारे में जो कुछ भी आपको पता है, कोई एड्रेस, कोई नंबर, कोई पत्र, इस पे लिख दें। देखो, तुम इनके घर पे थे तो मैंने जानते तो होगे ना, ये काफी सीरियस मामला है। जो कुछ जानते हो सच सच बता दो। ओ सर जी, ये लड़की मुझे अच्छी लगती है सर, पर ये अचानक गायब हो गई है, मुझे बस इतना ही पता है सर। कहाँ मिली थी तुम्हें ये? ओ सर जी, वो मैं यूएन वालों के साथ काम करता हूँ ना, ओ जी उनकी ब्रांच है उधर, वहीं मिली थी सर। मर्द? मतलब घर में मर्द कितने हैं? बाप, भाई, शोहर? और सर जी, एक बूढ़ा बाप है बस। और सर जी, ये ठीक तो है ना? यार, ये मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, मूसा साहब को क्लियर कर दें।
सर मूसा बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन आया हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। मूसा क्या बदतमीजी है ये, कौन हो तुम? हम तुम्हारा मौत है। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? क्या बात है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। उस दिन जो अटान लड़की का साथ तुमने ज्यादती किया, उस दिन तुमको मौत से डर नहीं लग रहा था? क्या बात कर दी भाई, मैंने तो सारी जिंदगी अवाम की खिदमत की है, इसको तो साइड पे कर, आओ बैठो बात करते हैं, कोई गलतफहमी हुई, आओ बैठो। तब मौत से बहुत डर लग रहा है, खुदा हाफिज। इसकी तो हरामजादा, तेरी बहन सीएम के पास आई थी, खुश होना चाहिए इस बात पे। कुत्ते की मौत मरब, बड़ा आया गैरतमंद। वाह मेजर, यू आर द बेस्ट। हाँ सर, हमारा लाश को हमारा अपना वतन में दफनाओ, ये हमारा ख्वाहिश है। सेफ ठीक है? आपका बेटा एक बहादुर आदमी था। स्थासुई चुवा कटियर बहादुर इंसान। वो अपनी जमीन पे सोना चाहता था। दागा ख्वाहिश चु अगवल चीज़ कलमर समाप खपल के लिए तरस हुई। हम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। मुझ दद द आखिरी ख्वाहिश पूरा कबूल द पर रगली दले। पर जिन्होंने पसंदा लफ्ज नहीं आंदा, तू ओदे नाल करेगा की थे? सब सीख लावांगे, पंजाबी वे ते सीखी है। तुसी बस साहब नु कह दो मैं नहीं आवांगा। एसएस चल यार, तुसी ए मेरा वेपन रखो, मैं नहीं आना कार। सर ओ मुनीर कह रहा सर उन्हें इथे रहना। इथे रहना? जी सर। क्यों? सर ओ किसी कुड़ी दी कोई गल है सर। बुलाए नो मुनीर साहब। जी साहब। और तुम वापस नहीं जाना? नहीं सर, मैं वापस नहीं जाना, तुसी ये भी रख लो सर। ओए इन्नी चंगी लगती है तेनू? जी सर। ए रख, ए भी रख, रख ला काम आन गई। आमिर साहब सर आइए ना, हमारी हेल्प कीजिए। चला जा हाजी साहब, अगर आप कबूल करें तो आप मेरा बेटा रख लें। ताजवान जुई खोड़ ले हाजी साहब, दादा जुई ची पखपल निगरानी के कबूल कर।
आपके रिवाज के मुताबिक मैं आपको एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी अगर आप ये कबूल करें। दार असमन यूसम तोहफा अमदर की दाम अजीब कबूल कर। चंगा फिर रब रखा। ओ मेहरबानी सर। हाय साहब अस्सलाम वालेकुम। और रब रखा। खुश रहे। था मैं अकेली रह गई। शोहर का मकान था, बेवकी में दोनों बच्चों को पाला साहब पढ़ाया। कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने पूरा इलाका खरीदना शुरू कर दिया कि यहाँ हम प्लाजा बनाएंगे, सिवाय घर के और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। मैंने बहुत मना किया तो मेरे बेटों को उन्होंने बहुत मारा और डराया। मैं डर गई, मैं अपने घर से भी बेदखल हो गई साहब। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी ना सुनी। अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अखबार वालों के पास गई, उन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया।